डियर लिसनर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आई विल से हिस्ट्री ऑफ बाबर हु वाज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर। हिज नेम जहीरुद्दीन बाबर। तो जी हाँ दोस्तों, हम आज बात करने जा रहे हैं बाबर के विषय में। बाबर कौन था, कहाँ का था, कैसे आया तथा उसने भारत में मुगल साम्राज्य को किस तरह से स्थापित किया। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन बाबर था, जो फरगना निवासी था, जिसने पानीपत के प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद यहां पर मुगल साम्राज्य की नींव डाली। बाबर का जन्म 1483 ईस्वी में फरगना में हुआ था। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा तथा माता का नाम कुतलुग निखार खां था। बाबर पितृपक्ष की ओर से तैमूर का 5वां वंशज एवं मातृपक्ष की ओर से चंगेज खां का 14वां वंशज था। बाबर 1494 ईस्वी में ही अपनी दादी एहसान बेगम के सहयोग से फरगना का शासक बन गया। बाबर काबुल पर 1504 ईस्वी में अधिकार कर लिया। बाबर ने बादशाह की उपाधि भी 1507 ईस्वी में धारण कर ली थी। बादशाह से पहले बाबर ने मिर्जा की पैतृक उपाधि धारण की थी। बाबर का भारत के विरुद्ध प्रथम अभियान 1519 ईस्वी में यूसुफ शहजाद के विरुद्ध था। बाबर ने 1519 ईस्वी में बाजौर और भेरा भारतीय क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। बाबर ने तोपखाने का प्रयोग भी सर्वप्रथम इन्हीं जातियों के विरुद्ध किया था। भारत पर आक्रमण हेतु बाबर को महाराणा सांगा तथा लाहौर के गवर्नर दौलत खान लोधी ने निमंत्रण पत्र भेजा और आमंत्रण के साथ ही बाबर के 1526वें अभियान में उसका पुत्र हुमायूं भी उसके साथ था। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने तुलगुमा युद्ध नीति एवं तोपखाने के प्रयोग से युद्ध जीता तथा तोपों को सजाने में उस्मानी विधि का प्रयोग किया। बाबर के दो प्रमुख निशानेबाज उस्ताद अली एवं मुस्तफ़ा भी उसके साथ थे, जिन्होंने तोपों का बाखूबी इस्तेमाल एवं नेतृत्व किया। बाबर ने तुलगुमा युद्ध पद्धति उज्बेकों से ग्रहण की थी। भारत विजय के उपलक्ष्य में बाबर ने काबुल निवासियों को एक एक चांदी का सिक्का भेंट किया था। तो जी हाँ दोस्तों, ये था बाबर का इतिहास। और भी ऐसे ही आगे हम आपको ऐतिहासिक रोचक तथ्य देते रहें।